महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन देश भर में महात्मा गांधी एवं राजीव गांधी के द्वारा बताए गए प्रेम और भाईचारे के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 2019 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक वर्ष भर जागरूकता अभियान आयोजित करने जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जनता को गांधीवादी मूल्यों का वर्तमान परिवेश में महत्व समझाया जाएगा। उक्त जानकारी आज पत्रकार वार्ता में दी गई। साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि दोपहर 1 बजे तिलवारा घाट गांधी आश्रम से सभी लोग एकत्रित होंगे और जहाँ महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी पेशनहारी की मड़िया के सामने एकत्रित होंगे, जहाँ से पदयात्रा प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गो से होती हुई टाउन हॉल विक्टोरिया समाप्त होगी। कार्यक्रम का आयोजन विवेक अवस्थी संयोजक राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जबलपुर के द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम चौबे और नगर अध्यक्ष दिनेश यादव के सहयोग एवं संयोजन से किया जाएगा। वो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय राधेश्याम चौबे जी और भाई विवेक अवस्थी जी ने आपकी समक्ष रखी है। समय का दौर है, समय की आवश्यकता है, नई पीढ़ियों को जानने की आवश्यकता है कि आज वो आज़ाद भारत में कैसे रह रहे हैं और इसका श्रेय किसको जाता है। पूज्य महात्मा गांधी जिसे आज पूरा विश्व मानता है, भारत तो के साथ साथ अगर सेकंड नंबर पे हम देखें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं उनकी लगी हैं, लंदन में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं, और अगर ये लगी हैं तो इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थे, वो पूरे विश्व के नेतृत्व करता क्षमता रखते थे। और ऐसे अहिंसा के पुजारी को जिन्होंने अहिंसा के बल पर आज़ादी दिलाई, और मैं समझता हूँ खाली उन्होंने एक देश को आज़ाद करने की लड़ाई नहीं लड़ी, सामाजिक व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था, सद्भावना, मिलनसारता, भाईचारा, सर्वधर्म संभाव की भावनाएं को प्रेरित उन्होंने किया, और जिसको लेके आज बहुत बड़ी एक उस समय छुआछूत की भी हमारे बीच में रूढ़िवादिता चल रही थी, जिसको लेके उन्होंने उस पर भी काम किया। यानी हर तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने मूल चीज़ें आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ एक आम व्यक्ति की जीवन शैली कैसे अच्छी हो, कैसे वो स्वतंत्रता से ले सके, उसको उन्होंने किया। और वही एक कारण था कि आज हम भारत देश में आज़ाद भारत में रहने का हमें अवसर मिला। ऐसे महापुरुषों के विषय में जब उन्हें नायक के रूप में खलनायक सिद्ध बनाने का कोई संगठन या कोई ग्रुप कर रहा हो तो गांधीवादी विचारधारा के लोगों की एक प्राथमिकता बनती है, जवाबदारी बनती है कि वो अपने महापुरुष की उन तमाम चीज़ों को आम जनता तक पहुँचाएँ जिन्हें लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके लेके आज विवेक अवस्थी जी ने आपके समक्ष रखा है। ये बाकायदा हमारे पूरा वर्ष चलेगा, गांधी जयंती, राजीव गांधी जी की हम जयंती पूरे वर्ष हम मनाने जा रहे हैं और समय समय पर